गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी आवर रिमेनिंग चैप्टर अ विजिट टू कैम्ब्रिज. सो टुडे वी विल स्टडी इस रिमेनिंग पार्ट. सो लेट्स बिगिन दिस रिमेनिंग पार्ट. व्हेन द वॉकिंग टूर वॉज डन, आई थिंक दिस हैज़ बीन डन. सो नाउ वी विल स्टडी फ्रॉम हेयर. एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, ग्रोइंग अप डिसेबल्ड. यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव. As if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. And suddenly और अचानक से I felt weak all over. मुझे बहुत ही कमजोर सा महसूस हुआ. Growing up disabled, you get fed up with people asking you to be brave as if you have a courage. जैसे ही हम जैसे एक अपंग होते हुए बढ़ना, you get fed up. आप थक चुके होते हो with people, जो लोग आपसे कहते हैं. अब हम सब ऊब जाते हैं जब लोग हमसे कहते हैं टू बी ब्रेव, कि बहादुर बनो. एज इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट, जैसे कि तुम्हारे पास एक करेज यानी हिम्मत का अकाउंट है. ऑन विच यू आर लेजी, जिसमें तुम लेजी हो. जैसा ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास हमारे पास कोई हिम्मत का अकाउंट है और हम बहुत ही आलसी हो रहे हैं उस चेक को निकालने के लिए. द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर सीइंग समबडी लाइक यू, एक ही चीज़ है. द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग, एक ही चीज़ है जो स्ट्रॉन्ग बनाती है, वो ये है कि समबडी लाइक यू, तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति. अचीविंग समथिंग ह्यूज, जिसने कुछ बहुत ही बड़ा अचीव किया हो, उस व्यक्ति को देखना, उस पर्सन को देखना, इट लुक्स फाइन, अच्छा लगता है. देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड. देन यू नो, क्या तुम्हें पता है हाउ मच इज़ पॉसिबल, ये कितना संभव है. एंड यू रीच आउट फर्दर, और इतना आगे पहुँचना देन यू एवर थॉट यू कुड, जितना हमारे हमने कभी विचार किया हो, यानी क्या ये संभव है. आई हैवंट बीन ब्रेव, सेड हिज डिस एम्बॉयडेड कंप्यूटर वॉइस. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई हैव हैड नो चॉइस. आई हैवंट बीन ब्रेव, मैं ब्रेव नहीं था, मैं इतना बहादुर नहीं था. सैड हिज डिस एम्बॉयडेड कंप्यूटर वॉइस, यानी डिस एम्बॉयडेड मीन्स विदाउट फिजिकल अपीयर, यानी कि बिना अपीयर, यानी कि वो कंप्यूटर डिवाइस थी वो जिसने मुझे बताया. द नेक्स्ट आफ्टरनून आई हैड नो चॉइस, और मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी. सो डिस एम्बॉयडेड मीन्स होता है बॉडी से रहित, शरीर रहित. कंप्यूटर वॉइस, क्योंकि कंप्यूटर वॉइस से ही उनकी आवाज़, कंप्यूटर वॉइस उनकी आवाज़ सुनती थी, कंप्यूटर डिवाइस ही उनकी आवाज़ समझ सकती थी. शॉर्टली आई वॉन्टेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिस इंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज अ चॉइस. श्योरली आई वॉन्टेड टू से, श्योरली मैं ये कहना चाहता था, विद लिविंग क्रिएटिवली, एक सृजनात्मक रूप से, एक रचनात्मक रूप से रहना, विद द रियलिटी ऑफ हिज डिस इंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज अ चॉइस. रियलिटी, जो ये बात सच है कि डिस इंटीग्रेटिंग बॉडी मीन्स शरीर का या बॉडी का, बॉडी के का विकृत होना, शरीर का विकृत होना यानी कि टूटना, क्या यानी कि जो शरीर जो इस तरह का था उस रूप को भी स्वीकार करना और उस रचनात्मक रूप से, रचनात्मक रूप से रहना, क्या एक चॉइस था, यही एकमात्र उपाय था इसको एक्सेप्ट करना दैट वी आर डिसेबल्ड, कि हम डिसेबल्ड हैं, और क्रिएटिवली रहना, क्या यही एकमात्र चॉइस थी. बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं चुप रहा. बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी, क्योंकि मुझे हर बार गिल्टी फील हो रहा था. एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, जब हर टाइम मैं उनसे बात कर रहा था. फोर्सिंग हिम टू रेस्पॉन्ड, जब मैं उन्हें बात करते हुए, इंटरव्यू हो रहा था, जब मैं उन्हें बात करते हुए बार बार उनको रेस्पॉन्ड करने, जवाब देने के लिए फोर्स कर रहा था. देन आई वॉज फीलिंग वेरी गिल्टी वैन आई वॉज ऑलवेज सेइंग टू रेस्पॉन्ड. There he was tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long pale fingers. There he was. और वहाँ पे वो टैप कर रहे थे, लिटिल स्विच इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक छोटा सा स्विच था, उसको बार बार वो टैपिंग कर रहे थे, दबा रहे थे. ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स, और वो उन शब्दों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ऑन हिज कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर पे, विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, हिज लॉन्ग
पेल फिंगर्स, यानी कि अपने लंबे लंबे पीले फिंगर्स से वो बार बार कंप्यूटर डिवाइस से उस मशीन अपने वर्ड्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। एवरी सो ऑफन हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, हर बार उनकी आईज शट मीस बंद हो जाती थी, एग्जॉशन मीस होता है बिना उम्मीद से, यानी बिना उम्मीद के फ्रस्ट्रेट होके उनकी आईज शट हो जाती थी, यानी कि जैसे कि होपलेस हो गए हों। एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्वाइश, और उनके अपोजिट बैठा हुआ, बिकॉज यू नो वेरी वेल देयर वॉज एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू था विद द, एंड सिटिंग अपोजिट हिम, और उनके अपोजिट बैठा हुआ, आई कुड फील हिज एंग्वाइश, मैं उनकी थकावट उनकी परेशानी को मैं समझ सकता था। द माइंड बियॉन्ड विथ थॉट्स दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंस स्टिफ एज कॉर्प्स, उनके मन में जो लबालब विचार आ रहे थे, बियॉन्ड मीन्स होता है बहुत ही सारे जो विचार आ रहे थे, दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, जो एक बर्फ से बने हुए शब्दों में वाक्यों में स्टिफ एज कॉर्प्स या फिर एक मृत शरीर के जैसे निकल कर आ रहे थे। A lot of people here, corpse means होता है मृत शरीर। Next is and frozen means होता है बर्फीला। Beyond means होता है लबालब भरपूर। Here intensely active and vibrant. So and sitting opposite him, I could feel his anguish. और उनके opposite बैठा हुआ जब मैं उनका interview ले रहा था, because both persons who are taking and giving their interviews both are disabled. दोनों ही disabled हैं. Instead of these, they have some qualities. उनके अंदर कुछ qualities हैं. And one is taking interview of other. So and sitting opposite him, I could feel his anguish. और उनके opposite बैठा हुआ मैं उनकी anguish, उनकी परेशानी को मैं समझ सकता था। The mind beyond with thoughts that came out in frozen, the mind beyond with thought that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses. उनका दिमाग विचारों से लबालब भरा रहता था, जो बर्फ तुल्य शब्दों, here frozen phrases means बर्फ तुल्य शब्दों, and sentences स्टिफ एस कॉरेप्स, जैसे वाक्यों मृत व्यक्ति की तरह से कठोर वाक्यों के रूप में बाहर निकल कर आ रहे थे। अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिजेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी, लॉट ऑफ पीपल सीम, कई लोगों को ये लगता है, ये सोचते हैं कि जो डिजेबल्ड पीपल होते हैं, जो अपंग व्यक्ति होते हैं, वो सदा दुखमय रहते हैं, क्रॉनिकली अनहैप्पी, क्रॉनिकली अनहैप्पी मीन्स हमेशा दुखी रहते हैं। आई सैड आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, मैंने कहा मुझे मालूम है कि ये बिल्कुल सच नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, आप कभी अंदर ही अंदर हंसते क्या आप, आर यू ऑफन मीन्स क्या आप, ऑफन मीन्स अक्सर, लाफिंग मीन्स हंसते रहते हो इनसाइड, क्या आप कभी अंदर ही अंदर हंसते रहते हो, हंसते रहते हैं। ऑथर ने मन ही मन में सोचा जो इंटरव्यू ले रहा था। अबाउट 3 मिनट्स लेटर ही रेस्पॉन्डेड, एंड दोज एंड हु इज टेकिंग इंटरव्यू इज ऑल्सो डिसेबल्ड, वो भी डिसेबल्ड है अपंग। अबाउट 3 मिनट्स लेटर ही रेस्पॉन्डेड, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रनाइज मी, अबाउट लगभग 3 मिनट के बाद उन्होंने जवाब दिया, ही रेस्पॉन्डेड मीन्स उन्होंने जवाब दिया, आई फाइंड इट मुझे ये लगा, मैं जैसे जब लोग मुझे अम्यूज करते हैं, आई फाइंड इट अम्यूजिंग, जब लोग मुझे अम्यूज करते हैं, मेरा मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें सीख बताते हैं, व्हेन पीपल पैट्रनाइज मी, जब लोग मुझे संरक्षण प्रदान करते हैं, जब लोग मुझे बहुत ही अच्छी तरह से सेफ्टी प्रदान करते हैं, तो मुझे रोचक प्रतीत लगता है, यानी मुझे बहुत ही अम्यूजमेंट लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, जब लोग मुझे संरक्षण यानी कि बहुत ही अच्छी पैट्रनाइज करते हैं, मुझे सेफ्टी देते हैं, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, अम्यूजिंग मीन्स होता है बहुत ही रोचक। एंड डू यू फाइंड इट अनॉइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क, एंड डू यू फाइंड, और जब मेरा जैसा व्यक्ति आपके पास आता है, व्हेन समवन लाइक्स मी कम्स, जब मेरा जैसा इंसान तुम्हारे पास आता है एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क, और आपके काम में डिस्टर्ब करता है, क्या आपको अनॉइंग, यानी अनॉइंग का मतलब परेशानी नहीं होती, मैं यानी कि परेशानी लगना, गुस्सा आना, इस तरह से होता है। आई आंसर फ्लैश, द आंसर फ्लैश यस,
आंसर आया यस. देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू विदाउट बींग सेंटिमेंटल और सिली दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड. जब मैंने उनसे पूछा कि जब कोई व्यक्ति तुम्हें डिस्टर्ब करता है, तुम्हारे काम में दखल अंदाजी करता है, क्या आपको चिड़चिड़ा नहीं लगता, इरिटेटिंग नहीं लगता, द आंसर फ्लैश्ड, आंसर आया यस. तब उन्होंने मुस्कुराया, यानी कि जो साइंटिस्ट थे, वो जो ग्रेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने मुस्कुराया और उन्होंने बहुत ही स्माइल से कहा आई न्यू, मुझे याद था, विदाउट बींग सेंटिमेंटल और सिली, बिना सेंटिमेंटल और सिले, और मैं बिना भावुकता और मुक्ता के जान गया कि मैं संसार में सुंदरतम में से एक व्यक्ति को देख रहा हूँ. अब जो इंटरव्यू ले रहा है वो कह रहा है कि अब मैं समझ गया था कि आई बिना सेंटिमेंट हुए, सेंटिमेंटल मीन्स भावुक हुए, और बिना मूर्ख हुए, दैट आई वॉज लुकिंग एट वंस ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉरी ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि मैं इस वर्ल्ड में सबसे ब्यूटिफुल मैन को देख रहा हूँ. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज रिमेनिंग, सो वी विल डिस्कस दिस रिमेनिंग पार्ट इन अवर नेक्स्ट वीडियो. बट आई टेल यू वन थिंग, दैट दिस इज द इंटरव्यू ऑफ अ डिजेबल्ड पर्सन हु इज अ ग्रेट साइंटिस्ट. ऑल इन स्पाइट इट ही हैज सम क्वालिटी, उनके अंदर क्वालिटी है दैट ही इज अ साइंटिस्ट. And who is taking, and those who, a person who is taking their interview is also, and is also a disabled person, both have some qualities. So we will discuss in our next video. Thank you. Have a nice day.